चलो देखो, दो है स्पीड वन स्पीड टू, लास्ट एग्जाम में मैंने ये किया था, बहुत बड़ा ही नहीं है। देखो देखो बच्चों स्पीड क्या होता है, जानते हो कि बच्चों ने पढ़ा होगा इस क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, कुछ तो कहेंगे ना हो, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टाइम, स्पीड इज डिफाइंड एज डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम, डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम। तो स्पीड क्या होगा बच्चों, देखो डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन, डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन, ठीक है। डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस मान लो डिफरेंट टाइम इंटरवल में क्या होगा, मान लो यहाँ से ए से बी जा रहे हैं, आपको टाइम इंटरवल स्पेसिफाई करना होगा ना, इसलिए करना, ठीक है बच्चों। क्या है डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम, देखिए यूनिट बताओ क्या होगी इसकी, एसआई यूनिट मीटर पर सेकंड, डायमेंशन क्या होगी, एंटी माइनस, अरे हो जाएगा बच्चे, हाँ बात आ गए तो निकल जाओ, प्रॉपर्टी क्या होता है बच्चों, ये स्केलर की वेक्टर, स्केलर देखो इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है बच्चों। पहला क्या है सर, स्केलर क्वांटिटी, दूसरा क्या है, क्या स्पीड बच्चों कभी जीरो हो सकता है, सॉरी कभी आपकी निगेटिव हो सकती है क्या, ठीक है ना, दूसरा लिखो स्पीड इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो इन मोशन, मतलब ठीक है ना, स्पीड क्या होगी ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो, और स्पीड आपकी बच्चों ठीक है ना, इसी डायरेक्शन तो होती नहीं, कुछ मिस कर रहा हूँ, चलो भाई एक लाइन छोड़ देना, अभी हमारे याद रहेगा, एक लाइन छोड़ देना, मुझे एक प्रॉपर्टी में मिस कर रहा हूँ, हो गया बच्चों, ठीक है। हेडिंग डालो टाइप्स, टाइप्स ऑफ स्पीड, टाइप्स ऑफ स्पीड, पहला लिखो इंस्टेंटेनियस स्पीड, साथ ही जब मैं आपको वेक्टर पढ़ा रहा था पर डिफरेंशिएशन, हाँ तो मैंने आपको बताया था जो भी आपने लिखी थी डेफिनेशन स्पीड की, ये कौन सी स्पीड है, अंदर क्या है बच्चों, मान लो अगर पार्क का एग्जांपल लेते हैं, मान लो होम से स्कूल जा रहा है, ठीक है ना, मान लो 9 बजे चला, 9:30 पर मान लो 10 पर पहुंच रहा है, ठीक है ओके, तो आप कह रहे हो सर डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टाइम टेकन, ठीक है ना, तो ये इस इंटरवल की एवरेज स्पीड है, अगर मैं पूछ लूं 9:45 पर इसकी स्पीड क्या थी, हो सकता है चाय पीने लगा हो,
10 में हो जाए, अरे ठीक है ना। हाँ ठीक है, तो मीटिंग की अरे आप किसी इंस्टेंट पर स्पीड अच्छा नहीं बता सकते, उसके लिए क्या करना होगा बताया था। ठीक हाँ डिफरेंशिएशन क्यों करते हैं, कैसे करते हैं। हाँ है। मान लो एग्जैक्ट 9:45 पर मुझे स्पीड पता करना है, ठीक है ना, तो ये करना इम्पॉसिबल है। पता एग्जैक्ट 9:45 पर कौन सी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, अगर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा तो टाइम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अरे ये दोनों दिक्कत है नहीं होती, तो मुझे क्या करना होगा अप्रोक्सीमेशन। मान लो मैं टाइम इंटरवल बच्चों बहुत छोटा लू, डेल्टा टी क्या लू, मान लो 0.00001 2 रात 0 लिखू फिर वाई, ठीक है ना। ओके टाइम इंटरवल क्या बच्चों बहुत छोटा है, तो डेल्टा टी अगर टेंस टू 0 है, डेल्टा टी टेंस टू अगर 0 है, इसको क्या लिख सकते हो, डी टी लिख सकते हो। क्या हम ऐसे पढ़ाया गया नहीं है, अच्छा लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी नहीं। अच्छा तो ये बच्चों क्या है आपका, डेल्टा टी का टेंस टू 0 क्या लिखते हो उसको, डी टी। क्या डेल्टा एक्स जो आपका डिस्टेंस ट्रेवल्ड है वो भी क्या होगा, बहुत कम होगा, वो भी क्या होगा बच्चों, टेंस टू 0 होगा, उसको क्या लिखेंगे, डी एक्स। तो क्या हो जाएगा बच्चों, dx अपॉन dt, या कभी कभी इसको लिखते हैं ds by dt, ज्यादा पॉपुलर है। x मतलब क्या हुआ, सिर्फ x डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट है, s मतलब क्या हुआ, कॉमन पर, ठीक है ना। ओके तो एवरेज स्पीड या सॉरी इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या हो जाएगा बच्चों, अरे भाई इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या हो जाएगा, ds by dt, देखो b इंस्टेंटेनियस क्या हो जाएगा, ds by dt। कौन सा एवरेज स्पीड, दूसरा क्या है, डी एवरेज स्पीड जो आपने अभी लिखा वो एवरेज स्पीड ही थी बच्चों। एवरेज स्पीड क्या होगा, हाँ देखो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन, टोटल ठीक है, क्या हुआ, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। ठीक है देखो, एक तो ये फॉर्मूला हुआ बच्चों, जनरली ये फॉर्मूला आपका बहुत कम यूज होता है, ठीक है ना, जो आपके मैथमेटिकल क्वेश्चंस होते हैं। अब देखो डिस्टेंस ट्रेवल कैसे निकाल सकते हैं बच्चों, मान लो तुमको डिस्टेंस ट्रेवल निकालना है, कई बार तुमको क्या दे रहा होता है, वी का इक्वेशन दिया रहता है, मान लो वी कॉन्स्टेंट ना हो, मान लो वी कॉन्स्टेंट ना हो, वी मान लो टाइम पर डिपेंडेंट हो, तो कैसे करोगे, ठीक है ना। ये तो कब लागू है बच्चों, डिस्टेंस ट्रेवल आसानी से कब निकल जाएगा, मान लो स्पीड कॉन्स्टेंट है तो आराम से निकल जाएगा, अगर मान लो स्पीड कांस्टेंट ना हो बच्चों वो टाइम पर डिपेंडेंट है, तो यहां से देखो डीएस क्या लिखते हैं बच्चों, मल्टीप्लाई कर दो वीडीडी, क्या आ जाएगा बच्चों वीडीडी। ये क्या बच्चों स्केलर है, स्केलर को हम डायरेक्टली ऐड कर सकते हैं, अरे कर सकते हो ना बच्चों, यस सर। और कंटिन्यूअस सिस्टम को कैसे ऐड कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन। सिग्मा क्या होता है, डिस्क्रीट के लिए होता है, क्या होता है, डिस्क्रीट के लिए। तो बच्चों वास्तव में जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड है, सो क्या लिख सकता हूं मैं, v dt, कहां से कहां तक, मान लो t1 से t2, मान लो पार्ट केस में कहां बात पड़ेगी बच्चों, 9:30 से 10, तो यहां पर t1 क्या होगा 9:30, यहां पर क्या होगा ये 10, अरे ठीक है ना। इसी एवरेज स्पीड को क्या लिख सकते हैं बच्चों, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या लिखेंगे, v dt, क्या लिखूंगा मैं, v dt।
इसी के आगे लिख लेना, क्या लिखोगे आप? अरे भाई बी एवरेज क्या होगा बच्चों? बी डी टी अपॉन क्या होगा बच्चों? डी टी, डी टी क्या होगा बच्चों सोचो? अरे ये क्या होगा? हाँ टाइम इंटरवल। अगर सोचो यहाँ पर लिमिट रखोगे बच्चों, यहाँ पर क्या रखोगे? T1 से T2, यहाँ भी क्या रखोगे बच्चे? T1 से T2। तो सोचो dt का इंटीग्रल क्या आएगा बच्चों? dt का इंटीग्रल क्या आएगा? T। अरे क्या आएगा बच्चों? T। नीचे क्या है? T1, ऊपर क्या है? T2। तो क्या आएगा बच्चों? अपर लिमिट रखो क्या आएगा? T2। लोअर लिमिट क्या है? T1। तो क्या आएगा? T2 माइनस T1। तो वास्तव में क्या बच्चों? फैंसी तरीका है टाइम लिखने का, ठीक है ना? वास्तव में क्या ये टाइम इंटरवल ही है। आप इसको क्या लिख सकते हो? आप इसको ऐसा लिख दो, वी एवरेज क्या होगा बच्चों? T1 से T2 V dt अपॉन क्या लिख दो? T लिख दो, टोटल टाइम टेकन, ठीक है ना? चाहे इसको लिखो चाहे ना लिखो। अरे भाई टाइम तो क्या होगा बच्चों? टाइम टाइम का फंक्शन थोड़ी होगा। अरे भाई टाइम टाइम का फंक्शन थोड़ी होगा, टाइम तो अपना हमेशा क्या आएगा? टी ही आएगा। अरे ठीक है ना? ओके, अब ये जो फॉर्मूला लिखा है बच्चों, ये मैथ्स पढ़ोगे ना, मैथ्स में एक आता है फंक्शन, पढ़ाया गया तुमको? फंक्शन होता है ना, है ना? तो किसी भी फंक्शन की एवरेज वैल्यू निकालने का तरीका होता है, किसी भी फंक्शन की। अरे सुन लो, मान लो कोई फंक्शन क्या बच्चों? यहाँ पर बी किसका फंक्शन था? टी का फंक्शन था, नहीं था बच्चों? अरे बताया था टाइम पर डिपेंड कर रहा था, अरे इसलिए इंटीग्रेट कर रहे थे ना। तो तुमने एवरेज स्पीड के लिए क्या लिखा बच्चों? बी डी टी अपॉन डी टी। अरे ये लिखा, ये एवरेज का सिंबल होता है। क्या होता है? एवरेज का सिंबल होता है, नहीं से, ये क्या है? एवरेज का सिंबल है। अगर मान लो कोई भी फंक्शन क्या है? एक्स का फंक्शन है, कोई भी क्या बच्चों? एक्स का फंक्शन। तो क्या लिखोगे? इसका एवरेज निकालना है, तो क्या लिखोगे बच्चों? एफ एक्स डी एक्स अपॉन डी एक्स क्या होगा? एफ एक्स डी एक्स अपॉन डी एक्स। ये क्वेश्चन आया था, मैं आपको बता दे रहा हूँ, नीट का क्वेश्चन है, उसको देखकर मैं भी कंफ्यूज था। अब जो जिसको अच्छे से मैथ्स आती होगी वही कर पाएगा, जिसने ये बताया कि फंक्शन का एवरेज वैल्यू सिर्फ ये नहीं होता, एवरेज वैल्यू सिर्फ ये नहीं होता। अगर मान लो बच्चों तुम्हारी स्पीड किस पर डिपेंडेंट हो? एक्स पर डिपेंडेंट हो। मान लो भाई पोजीशन पर डिपेंडेंट हो, तो क्या लिखोगे यहाँ पर? वी एक्स डी एक्स अपॉन डी एक्स, ये लिखोगे। तो क्वेश्चन क्या था? अगर आपकी स्पीड एवरेज निकाले तो ये आ रहा है, टाइम एवरेज निकाले तो ये आ रहा है, सॉरी डिस्प्लेसमेंट एवरेज निकाले स्पीड का तो ये आ रहा है, टाइम एवरेज निकाले तो ये आ रहा है, दोनों का रेशियो बता रहा है। तो क्या करना है? टाइम के लिए क्या यूज करना है? ये वाला फॉर्मूला। इसके लिए क्या यूज करना है? ये वाला फॉर्मूला। तो किसी भी फंक्शन की एवरेज वैल्यू बच्चों को ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है ना? अरे भाई इमेज का ही कांसेप्ट, ठीक है? ये चाहे लिख लो, किसी फंक्शन की एवरेज वैल्यू निकाल सकते हो, ऐसे एवरेज वैल्यू ऑफ फंक्शन है, ठीक है, निकाल सकते हो, ये लिख लो उसे। लिख लो भाई, एवरेज वैल्यू तो कंफ्यूज होगी क्या है। मैथ्स में सर सिर्फ थ्योरी में भी ये सिंबल आता है, ये पढ़े हो सिर्फ थ्योरी नहीं आता, ब्रैकेट होता है नहीं आता, कहीं आता है, कहीं आता है, मुझे याद नहीं। चलो क्या लिख लिया? अरे क्या बच्चों लिख लिया? अरे वो लिख रहा है, ठीक है, हो गया ना?
ठीक है हो गया। ठीक है तीसरा लिखो यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? विदाउट एनी चेंज। ठीक है बाकी लाइन लिख लो स्पीड इज कॉन्स्टेंट। अरे क्या मतलब होता है इसका? स्पीड इज कॉन्स्टेंट। ठीक है अगला लिखो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, क्या लिखोगे इसमें? स्पीड इज नॉट कॉन्स्टेंट, स्पीड इज नॉट कॉन्स्टेंट। ठीक है हो गया बच्चों। अच्छा इसी स्पीड का वेक्टर वर्जन क्या होता है? वेलोसिटी। ठीक है तो वेलोसिटी लिख लेते हैं बच्चों, सेम जितना जैसे इसमें लिखा है ना वो पैटर्न वही फॉलो करते हैं। ठीक है लिखो वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होता है बच्चों? इसमें क्या लिखा था? डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। इसमें क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट करंट पर यूनिट टाइम। लिखो डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल पर यूनिट टाइम। लिख लो वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। लिखो अब डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल को नहीं लिख रहे, डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? इनिशियल और टाइम हुई थी। ठीक है अरे भाई आ गया यूनिट लिखो, यूनिट क्या होगी बच्चों? अरे यूनिट क्या होगी? मीटर पर सेकेंड। डायमेंशन क्या होगी? लिख दिया बच्चों। उसके बाद क्या लिखेंगे? प्रॉपर्टीज लिखो, प्रॉपर्टीज लिखा था ना उसमें। प्रॉपर्टीज में लिखो क्या लिखो बच्चों? पहले क्या लिखा था उसमें? स्केलर क्वांटिटी। यहाँ पर क्या लिखेंगे? वेक्टर क्वांटिटी। लिखो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये बच्चों वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन किधर होगी? कहीं भी। हाँ अरे भाई बी क्या लिखे हो बच्चों? डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। तो देखो दोनों क्वांटिटीज बच्चों बराबर है, बच्चों लेफ्ट हैंड साइड की राइट हैंड साइड की क्वांटिटीज क्या है? बराबर है। तो वेक्टर को बराबर कर रहे हो, वेक्टर कब बराबर होता है? जब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम। तो डायरेक्शन बच्चों डायरेक्शन क्या होगी? वेलोसिटी। तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन राइट। ठीक है ना? ठीक है लिखो इट इज डायरेक्टेड अलोंग डिस्प्लेसमेंट। उसी में लिखना it is directed along displacement or its direction is along displacement। ठीक है ये बच्चों आपका स्पीड आपका देखो ग्रेटर देन 0 का, क्या ये वेलोसिटी हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा? नहीं। देखो ग्रेटर देन 0 कब होगा? किस मोशन में होगा? अरे सिर्फ 1D मोशन में होगा। क्यों? अरे भाई डिस्प्लेसमेंट ये क्या है? वेलोसिटी क्या है? अरे भाई वेलोसिटी क्या है? डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। ऐसा है वेलोसिटी नेगेटिव कब होगा? टाइम को नेगेटिव हो नहीं सकता जब डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो। डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव किस मोशन में हो सकता है? अरे सिर्फ 1D मोशन में हो सकता है बच्चों। बताया तुमको? अरे बताया था भाई, एक पॉइंट लिखवाया था कि 1D मोशन में डायरेक्शन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अरे पॉजिटिव नेगेटिव से आसान होता है, दोनों डायरेक्शन पॉसिबल हो सकती है ना। अरे या तो इधर जाए बच्चों या तो इधर जाए, तो एक डायरेक्शन कितना बनते हो? पॉजिटिव। उसके अपोजिट क्या होता है? नेगेटिव। तो वास्तव में जो लिख रहे हो ये बात वेलोसिटी नेगेटिव हो सकती है। नेगेटिव का मतलब क्या हुआ? डायरेक्शन उसकी क्या है?
अपोजिट जो हमने मान लिया बोलते थे उसके क्या है अपोजिट, टू डी मोशन हो रही है तो उसमें वेलोसिटी नेगेटिव नहीं हो सकती। अरे ठीक है ना भाई, ठीक है, टू डी मोशन में वेलोसिटी नेगेटिव नहीं हो सकती। लिखो सेकंड पॉइंट, लिखो वेलोसिटी कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो, वेलोसिटी कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो। Velocity can be positive, negative or zero. ठीक है? अरे सुन सुन के प्रॉपर्टीज होगी। तीसरा क्या लिखोगे बच्चों? यूनिफॉर्म था ना? अरे इसमें यूनिफॉर्म, इसमें भी क्या लिखोगे? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अरे इसमें यूनिफॉर्म सुन के था ना बच्चों? क्या होगा बच्चे इसमें क्या होगा? पहला लिखोगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, क्या लिखोगे पहला? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्या लिखोगे बच्चों की इंस्टेंटेनियस क्या होगा? इस पर एरर लगाना जरूर, ठीक है ना, बेटर है बच्चों। क्या लिखोगे यहाँ भी एरर लगाना? क्या लिखोगे? डीएस बाई डीटी। क्या लिखोगे बच्चों? डीएस बाई डीटी। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, ठीक है, आप वास्तव में जो स्पीड है, ठीक है ना, वो कहाँ से निकालते हो? वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड लेते हो, उल्टा पॉसिबल नहीं है। क्या करते हो यहाँ पर? एस क्या है बच्चों? एस वास्तव में तुम्हारा पोजीशन है। एस क्या है वास्तव में तुम्हारा पोजीशन है? ये पोजीशन की चेंज की रेट है, ठीक है, क्या है बच्चों? पोजीशन की चेंज की रेट है। क्यों नहीं निकाल सकते डायरेक्ट? मान लो ऐसे से ऐसे आया, अरे ठीक है ना, तो ये तो क्या देगा बच्चों? पोजीशन में चेंज देगा, ये तो ये देगा तुम्हारा, क्या देगा तुम्हारा? ये तो ये देगा पोजीशन में चेंज। उसमें भी क्या देखा था मैंने? सिर्फ वेक्टर नहीं लगाया था, अरे था तो पोजीशन ही ना बच्चों, तो डायरेक्ट नहीं निकाल सकते। मैं भी आपको क्वेश्चन कराऊंगा अभी ऐसा कुछ, डायरेक्ट आप स्पीड नहीं निकाल सकते। क्या करोगे? मैंने वेलोसिटी निकालो, उससे क्या करते हो? मैग्नीट्यूड लेते हो, ठीक है, ये भी इंस्टेंटेनियस हो गया बच्चों। दूसरा क्या होगा? एवरेज। एवरेज हो गया बच्चों। क्या होगा इसमें एवरेज वेलोसिटी? हां तो उतना नीचे ना मीन द राइट वेक्टर स्पेस का पॉइंट। हां डेटा है भाई, डेटा है इसको लिखा बच्चों। हां एस क्या है? पोजीशन है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? पोजीशन में इंटीग्रेशन के फॉर्म में बच्चों, जब आपकी वेलोसिटी वेरिएबल हो, क्या लिखोगे? अरे क्या लिखोगे बच्चों? बीटी। देखो बीटी मतलब क्या है, गड़ा नहीं है, बीटी मतलब ये क्या है? टाइम का फंक्शन है। अरे क्या है? टाइम का फंक्शन है। अभी क्वेश्चन कराऊंगा, क्लियर हो जाएगा। अब और क्या होगा बच्चों? टी लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखोगे? ये एरो लगाओगे। अरे आगे समझ में बात, तीसरा क्या लिखोगे? यूनिफॉर्म वेलोसिटी। Thank you.
यूनिफॉर्म में लॉस भी कब होगा बच्चे? हाँ वेलोसिटी चेंज नहीं होगा। अच्छा कोई और स्पेसिफाई करके बता सकते हो कब वेलोसिटी चेंज नहीं होगी? और कंडीशन में कर रही है स्पीड तो कांस्टेंट है बट वेलोसिटी में क्या होगी? डायरेक्शन में क्या होगी? कांस्टेंट होगी। डायरेक्शन कब कांस्टेंट होगी? दो टाइप चल सकता है, इधर जा सकता है या तो उधर जा सकता है। जब वो ट्रेवल कर रहा है स्ट्रेट लाइन विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन विद कांस्टेंट स्पीड, ये क्या हुआ? यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है ना, टेक्निकलिटी है इसमें। क्या लिखेंगे इसमें? व्हेन बॉडी ट्रेवल्स, व्हेन बॉडी ट्रेवल्स विद कांस्टेंट स्पीड, मींस कांस्टेंट स्पीड अलोंग स्ट्रेट लाइन, अलोंग स्ट्रेट लाइन विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन। ठीक है, its direction। okay, ये हो गया। इसके बाद क्या लिखेंगे? अभी नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, कोई ट्रेवल है नहीं, देखना वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी लिखो, वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट। ठीक है, वेलोसिटी इज नॉट क्वेश्चन लिखो। है ये पॉसिबल है? पी नेगेटिव है। हाँ ये पॉसिबल है, लिखो। अरे इसको लिखो, इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी बिकॉज़, इट इज, अरे क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो, इट इज नॉट पॉसिबल दैट स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव। अरे क्वेश्चन लिख लो भाई, उसके बाद लिख लेना, इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज़ speed cannot be less than zero. The speed cannot be negative. ठीक है, क्या लिखिए? अच्छा इसको दूसरा क्वेश्चन लिखना, पहला लिख रहे हो, लिख लिया ना? Yes, sir. लिख लेना, क्या लिखो सर? अरे वो लिख लिया है ना इससे पहले वाला। ठीक है, दूसरा वेलोसिटी लिख, फिर ये चेंज कर देना, स्पीड क्या कर देना, वेलोसिटी। क्या ये पॉसिबल है? हाँ ये पॉसिबल है। कि बच्चों क्या होगा, वेलोसिटी नेगेटिव हो सकती है। कौन सी मोशन की बात कर रहा होगा ये? कौन सी मोशन की बात कर रहा है? वन डी की बात कर रहा है। ठीक है ना, अरे भाई टू डी में पॉजिटिव नेगेटिव से कोई डायरेक्शन शो कर सकते हो। ठीक है, लिख लेना, दिस ग्राफ इज पॉसिबल एज वेलोसिटी कैन बी नेगेटिव, दिस ग्राफ इज पॉसिबल एज वेलोसिटी कैन बी नेगेटिव। ठीक है,
हो गया। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं बच्चों। ग्राफ से आपके क्वेश्चन में अंत में कराऊ काफी अच्छे अच्छे ठीक है ना। मैं थोड़ा सा ये रेफरेंस दे रहा हूँ जिसमें मतलब ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए आपको, देख करके समझ सकते हो। मैं अपना नाम लिख रहा हूँ और ये स्पीड या वेलोसिटी कुछ भी है, ये पॉसिबल है क्या? नो सर, ये फंक्शन ही पॉसिबल नहीं है बच्चों। आप फंक्शन में पढ़ोगे फंक्शन ही पॉसिबल नहीं, पीछे नहीं जा सकता, टाइम पीछे नहीं जा सकता, आगे बढ़ रहे हैं क्यों नहीं? अरे टाइम, मैं थोड़ी कह रहा हूँ टाइम पीछे जा रहा है, कहाँ कह रहा हूँ टाइम पीछे जा रहा है, टाइम पीछे नहीं जा रहा। अरे यार मैं ये पीछे क्या टाइम पीछे जा रहा है मतलब वो गलत हो रहा है सर, एक टाइम पर दो बार यूज नहीं आ सकता। हाँ ये सही बोल रहा है बोला, एक टाइम टेक्निकल सही बोल, टेक्निकल का सही। देखो अगर ऐसे खींचोगे बच्चों, मान लो तुमने ये वैल्यू क्या टी इक्वल टू 1 सेकंड, अरे सोचो 1 सेकंड में बच्चों दो वैल्यूज आ रही है, तो तीन आ रही है, एक तो ये हो गई, एक तो क्या हो गई बच्चों ये हो गई, एक तो क्या हो गई ये हो गई, तो 1 सेकंड पर तीन वेलोसिटी या स्पीड रुकी है नहीं यार, टाइम सर कम हो रहा है, इसमें भी टाइम ज्यादा है ना, इसमें क्यों बोल रहे हैं टाइम ज्यादा हो रहा है, टाइम ज्यादा हो रहा है। ये बच्चों फंक्शन ही पॉसिबल नहीं है, आगे आप पढ़ोगे ना तो फंक्शन पढ़ाएंगे सर तुमको, वैसा ग्राफ बनवाएंगे ठीक है। क्या ये पॉसिबल है क्या? हाँ ये पॉसिबल है, क्या ये पॉसिबल है क्या? नहीं, एक ही टाइम पे दो, हाँ ऐसा है। मैं ढंग से पढ़ा करूँ तो ठीक है ना, काफी आपको बेसिक डाउट भी क्लियर हो जाएगा। हो गया बच्चों? अरे हो गया, ओके एक और क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो। एक सेकंड सर, एक सेकंड सर, क्या लिखोगे बच्चों? इज दिस ग्राफ इज पॉसिबल, लिखा ही नहीं लिखा, इज दिस ग्राफ इज पॉसिबल कुछ नहीं लिखा, क्या लिखे आंसर में? अरे क्यों पॉसिबल नहीं? बिकॉज एट वन एक्सटेंट यू कैन नॉट हैव मोर देन वन वैल्यूज ऑफ स्पीड ऑफ ग्राफ ठीक है, लिख लो इसको, देख बाद में पूछे पूछोगे कैसे करेंगे, टाइम घटा है समझ रहे हैं, तो मैं स्टीम बन रहे हो। अरे ठीक है ना, इतना इसको स्पोक कर ठीक है, find his average speed and velocity during journey, find his average speed and velocity during journey। हम assume कर रहे हैं बच्चों path सीधे रास्ते से जा रहा है ठीक है ना, बड़ी ब्रेक नहीं लेना ठीक है, ओके find his average speed, find average speed and velocity during his journey, average speed and velocity during his
एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी दोनों फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है बच्चों? एवरेज स्पीड एंड एवरेज अच्छा एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी? जीरो। मैं पढ़ा नहीं तुमने। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है बच्चों? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन पोजीशन बाय टाइम। अरे घर से गया है कहां पर पहुंचा है? घर का। तो ये कितना हो गया? एवरेज वेलोसिटी क्या आई? भाई एवरेज वेलोसिटी क्या है बच्चों? जीरो। अरे भाई क्या उसकी पोजीशन में चेंज हो रहा है क्या? नहीं। एवरेज वेलोसिटी क्या है? जीरो। एवरेज स्पीड निकालो, ये जीरो नहीं होगी बच्चों। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस लेवल जीरो नहीं है। टाइम निकालना है। हिंट दे रहा हूं, क्या मान रहा बच्चों? देखो पार्क से होम की डिस्टेंस क्या मान लेना, स्कूल से होम एस मान लेना। तो भाई होम से स्कूल से होम क्या हो जाएगी? एक्स हो जाएगी। अरे ठीक है ना, थोड़ी डिस्टेंस क्या आ गई बच्चों? एक्स प्लस एक्स कितनी आ गई? और टाइम देखें कैसे निकालोगे? एक्स वाई वी वन जाने में लगा टाइम, आने में कितना लगा टाइम? एक्स वाई वी टू। टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम करो तो क्या होगा? एक्स एक्स क्या हो जाएगा? कांस्टेंट है। अरे करो तो मैं कराऊंगा। टाइम क्या होता है? डिस्टेंस बाय स्पीड। तो जाने में लगा टाइम निकाल रहा हूं एक्स बाय वी वन, आने में लगा टाइम कितना होगा? एक्स बाय वी टू। स्पीड के टोटल डिस्टेंस कितनी आ गई? 2x आ गई। डिवाइड करो दोनों को, एक्स एक्स क्या हो जाएगा? ठीक है ना? मान लो, अरे सुन लो, मान लो होम से स्कूल की डिस्टेंस क्या है एक्स, तो स्कूल से होम की भी डिस्टेंस क्या होगी? ठीक है, तो बच्चों टोटल डिस्टेंस कितनी होगी बताओ? टोटल टाइम कैसे निकालेंगे? अरे भाई टोटल टाइम क्या होगा? जाने में देखो अलग अलग निकालेंगे, क्यों? क्योंकि बच्चे जा किससे रहा है? V1 स्पीड से। आ किससे रहा है? V2 स्पीड। जाहिर सी बात है टाइम क्या रहेगा? डिफरेंट रहेगा। अरे ठीक है ना बच्चों, ज्यादा स्पीड से आएगा तो यहाँ पर पहुंच जाएगा। ठीक है, टोटल टाइम क्या लगा? जाने में लगा टाइम कितना? आने के लिए लगा टाइम। जाने में कितना लग रहा है बच्चों? एक्स वाई। ठीक है, आने में कितना लग रहा होगा? भाई डिस्टेंस बाय वेलोसिटी। एवरेज स्पीड क्या होता है बच्चों? टोटल डिस्टेंस डिवाइड अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा है? वी एवरेज क्या होता है बच्चों आपका? टोटल डिस्टेंस ऐसे लिखना। अरे भाई टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अरे ठीक है बच्चों, कितना ट्रेवल कर रहा है टोटल डिस्टेंस? कितना ट्रेवल कर रहा है? 2x।
और टोटल टाइम कितना ट्रैवल कर रहा है? x1 y1 x प्राइम b1 प्लस x y b2 x x उड़ गया 2। देखो बच्चों यहाँ पर क्या लोगे, v1 v2 क्या ले लो तुम, एलसीएम ले लो, यहाँ पर क्या आएगा v1 प्लस b2। अरे ये अलग नहीं आ जाएगा बच्चों, अरे ये आ जाएगा ना, डिवीजन क्या होता है बच्चों, उल्टे से मल्टीप्लिकेशन। अरे ये पढ़ा है ना भाई, फोर को टू से डिवाइड करो या फोर को क्या करो वन बाई टू से मल्टीप्लाई करो, सेम बात है, डिवीजन क्या होता है उल्टे से मल्टीप्लिकेशन। तो टू को किससे डिवाइड कर रहे हो बच्चों, इससे डिवाइड कर रहे हो ये क्वांटिटी, इससे उल्टा क्या होगा बच्चों, वी वन वी टू अपॉन वी वन मल्टीप्लिकेशन। अरे ये होगा ना बच्चों उल्टा, और ध्यान देना ये डायमेंशनली भी करेक्ट है बच्चों, जो करेक्ट है ऊपर देखो क्या आ रही है b into b क्या आ रही है velocity का square, और नीचे क्या आ रहा है velocity plus velocity क्या आएगा velocity का square से velocity का जाएगा क्या बचेगा ये dimensionally correct है। एक तो option तो ऐसे भी eliminate कर सकते हो, option में एक तो option ऐसा लिखा रहेगा b1 plus b2 upon b1 b2, क्या ये कभी सही हो सकता है क्या, नहीं हो सकता क्योंकि तो बच्चों यहाँ पर क्या है वन बाई स्पीड आ रहा है, अरे ऊपर स्पीड है नीचे स्पीड का स्क्वायर है, वन बाई स्पीड आएगा ना नीचे, तो ये पॉसिबल नहीं है, वही हो सकता है। अरे ठीक है, एक कंफ्यूजन क्या होती है बच्चों, अभी लिखो और क्वेश्चन कराऊंगा बता रहा, अरे आ गया ना बच्चों एवरेज स्पीड, किसी को डाउट है तो दूसरा क्वेश्चन लिखो, ठीक है आगे, ठीक है देखो पार्ट गोज फ्रॉम दिस फोर टू स्कूल, ठीक है पार्ट गोज फ्रॉम दिस फोर टू स्कूल, हाफ द टाइम देखो हाफ द टाइम ही ट्रेवल्स विद स्पीड वी वन, हाफ द टाइम ही ट्रेवल्स विद स्पीड वी वन एंड रेस्ट हाफ ऑफ द टाइम and rest half of the time he travels with the speed v2. Find average speed and velocity. इसमें सेम आएगा क्यों, क्यों सेम आएगा बच्चों, हाँ स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है सेम है, तो क्या आएगा ये सेम आएगा, ठीक है ना। देखो फिजिक्स में क्या होता है, आपको जो इक्वेशन दिए होते हैं ना उसको फील करना होता है, मैथ फील करना नहीं होता। हाँ रिचर्ड फाइनिंग का नाम सुने आप लोग, उन्होंने कहा है ये बात मत कर, तुम्हारा बता फाइनिंग बनाएगा फाइनिंग नौकरी के लिए, उन्होंने कहा था मैथमेटिशियंस डोंट नो, मतलब किसी क्वेश्चन के बारे में मैथमेटिशियंस डोंट नो व्हाट दिस इक्वेशन मींस and they don't need to know about this equation, मतलब वो जानते भी नहीं और उनको जानने की जिसने आपको जाना दिलो, ठीक है ना, आप मैथ्स लगाओगे यहाँ पर मान लो टी निगेटिव आ गया तो मैथ्स वाले कहेंगे हाँ पॉसिबल है, अरे दो वैल्यूज पॉसिबल है क्वाड्रेटिक की, उनकी कोई चिंता की बात नहीं है, हम तो चिंता करेंगे कि टाइम निगेटिव नहीं हो सकता, अरे ठीक है ना। देखो अगर बच्चों इसमें काम देता है तो फिर टाइम को क्या मान लेना, छोटी मान ली, और टाइम क्या मान लेना छोटी मान लेंगे, आप अगर टाइम आ गए तो उनको डिस्टेंस निकाल ली, हाफ टाइम कितना हो गया थ्री, तो हाफ टाइम में कितना ट्रेवल करेगा वी वन, दूसरे हाफ टाइम में कितना ट्रेवल करेगा वी टू, दोनों को डिवाइड कर देना वी टू, कोई बात नहीं बताऊंगा दे
अरे बच्चों क्या कह रहा हूँ, हाफ टाइम भाई फुल टाइम क्या मानेगा, टू टी हाफ टाइम क्या मिलेगा टी, अगर हाफ टाइम क्या हो जाएगा टी, एवरेज मीन क्या होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तुम्हारी जो स्पीड थी वो क्या आ रही है, तो उस टाइम जो स्पीड थी उससे ज्यादा आ रही है। जो भी तुमने टी लिया होगा हाफ टाइम टी बाई टू हो जाएगा फिर। अरे ठीक है भाई, अरे भाई बोल दो ठीक है। देखो देख लो भाई, लेट टोटल टाइम क्या बच्चों आपका टी मान लो, कोई दिक्कत नहीं, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब तुमने टाइम मान लिया बच्चों, क्या मान लिया है टी। अब वेलोसिटी के लिए अगर डिस्टेंस की वैल्यू चाहिए तो डिस्टेंस क्या होगा बच्चों, ध्यान देना, डायरेक्ट तो कर नहीं सकते क्योंकि बच्चों दो हाफ में ट्रेवल कर रहा है, नहीं ट्रेवल कर रहा हूँ, दो हाफ में ट्रेवल कर रहा है ना डिस्टेंस, हाँ तो ट्रेवल की नहीं है होगी ना यार। अभी पहले आगे तो पहले आगे तो नौ पाँच से साढ़े पाँच से ले लूंगी फाइव फिफ्टीन से होगी, दो मिनट बाद होगी। अरे पहला हाफ टाइम क्या होगा टी बाई टू, कभी होती नहीं, वन टू नहीं होती। दूसरा हाफ क्या होगा टी बाई टू। अरे ठीक है बच्चों, तो डिस्टेंस कितनी आएगी बच्चों, इसमें हाफ किससे ट्रेवल कर रहा है वी1 से, इसमें कितना ट्रेवल कर रहा है वी2 से, तो डिस्टेंस क्या होगी बच्चों, पहले हाफ में ट्रेवल की गई डिस्टेंस प्लस दूसरे हाफ में ट्रेवल की गई डिस्टेंस, अरे यही होगी ना। पहले हाफ में ट्रेवल की गई डिस्टेंस क्या होगी, डिस्टेंस क्या होगा स्पीड इनटू टाइम, स्पीड कितना है वी1, टाइम कितना है टी बाई टू, दूसरे हाफ में क्या है वी2, तो क्या हो जाएगा टी बाई टू कॉमन ले लो क्या हो जाएगा वी1 प्लस वी2। अरे आगे तो क्या है बच्चों, अब वी एवरेज क्या होगा, अरे वी एवरेज क्या आ जाएगा बच्चों, डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, डिस्टेंस कितना है बच्चों टी बाय टी प्लस वन, और टाइम कितना आया है टी, टी टी क्या हो गया कैंसिल, क्या हो गया वी1 प्लस वी2 बाय, ठीक है यार मेरा कंफ्यूजन क्या होती है, ये क्या है बच्चों, अगर मैथ्स देखो तो मैथ के हिसाब से क्या आया है वी1 प्लस वी2 बाय टू, क्या है इसको देखकर किसी की याद आ रही है, हाँ क्या है अंग्रेजी बात नहीं, हाँ क्या है ये मीन है बच्चों मैथ्स वाला, अच्छा अरे एवरेज वैल्यू नहीं है, ध्यान देना क्या दोनों केस में ऐसा एक्सप्रेशन आ रहा है कि पहले केस में क्या आया था टू वी1 वी2 अपॉन वी1 प्लस वी, अरे क्या था पहले केस में टू वी1 वी2 अपॉन वी1 प्लस वी, दूसरे केस में क्या है बच्चों, ये डायरेक्ट मैथ्स का मीन आ गया। क्या हम ये कह सकते हैं कि एवरेज स्पीड क्या होती है, एवरेज ऑफ स्पीड्स होती है, क्या ये कह सकते हैं क्या, नहीं कह सकते करो। अरे पहले केस में क्या आया था, पहले केस में मीन आया था क्या, पहले केस में क्या आया था
ये एक्सप्रेशन आया था, दूसरे केस में क्या आ रहा है, ये एक्सप्रेशन आ रहा है, तो ये क्या है बच्चों, पहले केस में मीन वैल्यू आई है क्या, नहीं आई। तो एवरेज स्पीड एवरेज ऑफ फील्ड नहीं होता। कंसेप्ट क्या है, सिंपल सा कंसेप्ट है क्या बच्चों, टोटल डिस्टेंस डिवाइड अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। ये पता क्यों रहा हूं, कहीं कहीं बुक्स में देखोगे एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला ये लिखते हैं, वी प्लस यू बाई टू, इनिशियल वेलोसिटी पर फाइनल वेलोसिटी बाई टू, ऐसा लिखते हैं। क्या लिखते हैं, वी प्लस यू बाई टू, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाई टू। नेट पर देखोगे तो 99% उन्होंने सोल्यूशन ऐसे दे रहे हैं, ठीक है ना। बट ये फॉर्मूला वैसे लागू नहीं होता है, अरे ठीक है ना बच्चों, क्या ये लागू होता है हमेशा, नहीं लागू होगा बच्चों, ठीक है ना। ये कब लागू होता है, जब आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, जब आपका एक्सेलरेशन क्या हो बच्चों, कांस्टेंट, अदरवाइज ये फॉर्मूला लागू नहीं होगा, अरे ठीक है ना बच्चों। पहले केस में देखो क्या एक्सेलरेशन कांस्टेंट था क्या, नहीं था, क्यों नहीं था, जा किससे रहा है, वी वन से। उसके बाद ये अब्रप्ट चेंज करा बच्चों की स्पीड, अब्रप्ट चेंज करा, यहाँ पर तो बच्चों एक्सेलरेशन क्या था, जीरो था, यहाँ पर वेलोसिटी जो चेंज कर रहा है, इसका मतलब क्या होगा बच्चों, एक्सेलरेशन लगा होगा, विदाउट फोर्स तो डायरेक्शन चेंज हुई नहीं होगी, अरे लगा होगा ना बच्चों, तो क्या एक्सेलरेशन कांस्टेंट है पूरी जर्नी के दौरान, नहीं, अरे भाई इसके बाद फिर से किससे ट्रेवल कर रहा है, फिक्स स्पीड वी टू से, एक्सेलरेशन पूरी जर्नी के दौरान कांस्टेंट है क्या, नहीं, अरे सिर्फ मोड पर एक्सेलरेशन था, उसके पहले भी जीरो था, उसके बाद भी जीरो था। तो ये फॉर्मूला कब लागू होता है, जब आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, मैं इसको प्रूव भी कर सकता हूँ, बट इम्पोर्टेंट क्या है ये समझना कि भाई सिर्फ कंसेप्ट क्या है, एवरेज स्पीड क्या है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, एवरेज वेलोसिटी क्या है, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, सिर्फ यही है और कुछ नहीं है। ओके, साढ़े पांच की होती है ना उसकी क्लास, पांच मिनट और, अरे साढ़े पांच से होती है ना भाई, 15 मिनट लेट हो गया ना, 15 मिनट लेट हो गया ना हमारे क्लास। अरे ठीक है बच्चों, देखो ए बॉडी ट्रेवल्स, देखो ए बॉडी ट्रेवल्स 4 मीटर इन ईस्ट डायरेक्शन एंड 3 मीटर इन वेस्ट नॉर्थ डायरेक्शन। अरे लिखो पार्ट क्या, ए बॉडी ट्रेवल्स 4 मीटर इन ईस्ट डायरेक्शन एंड 3 मीटर इन नॉर्थ डायरेक्शन, 3 मीटर इन नॉर्थ डायरेक्शन, फाइंड एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी। अरे क्या है बच्चों, 4 मीटर ईस्ट 3 मीटर नॉर्थ, टाइम टेकन कितना है 5 सेकेंड, ये हो, एक क्वेश्चन बताऊंगा बाकी होमवर्क में रहेगी।
देखो अरे सुन क्या अपील हो रहा है क्या होता है एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम इसमें डायरेक्ट में तो है नहीं ठीक है लिखो जब डायरेक्ट लिखो बाइक क्या चल रहा है बच्चों 3 मीटर इधर चल रहा है 4 मीटर उल्टा 4 मीटर इधर चल रहा है ना और 3 मीटर इधर चल रहा है इधर चल रहा है अरे ठीक है ना तो बच्चों टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितना हुआ 4 + 3 कितना हुआ तो बताया था ना डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में अरे क्वेश्चन कराया था ना तो कितना आगे डिस्टेंस बच्चों 7 टाइम टेकन कितना है कितना आगे 1.4 मीटर पर ये क्या आ गया एवरेज लिख लो किसी ने नहीं लिखा पहले क्वेश्चन में देखो सुन लो देखो चैप्टर है ना मेरा ट्राई करना पड़ेगा देखो क्या होगा बच्चों वेलोसिटी फाइंड करने के लिए क्या करना होगा हमको डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना होगा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा हाई ये 5 तो जो आएगा डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड बच्चों वो क्या आएगा 5 तो भी इसका एवरेज वेलोसिटी क्या आएगी बच्चों 5 / 5 कितना आएगा 1 m/s अरे आ जाएगा ना अरे क्या आ जाएगा बच्चों 5 / 5 कितना आ जाएगा 1 m/s डायरेक्शन क्या होगी अरे भाई डायरेक्शन क्या होगी ये एंगल कितना होगा टेन थीटा क्या होगा 3/4 अरे टेन थीटा कितना होगा बच्चों टेन थीटा क्या होगा 3/2 थीटा कितना होता है 37 degrees अरे कितना होगा 37 degrees तो वेलोसिटी क्या होगा बच्चों 1 m/s 37 degrees north of east अरे क्या होगी 37 degrees north of east ये होगी ठीक है अब ये क्वेश्चन देखो अभी एक बात नोट कर लेना मैं बता दे रहा हूँ क्या लिखा है देखो बच्चों ये क्या है आपका पहला इक्वेशन देखो s क्या है 2 + 3t² क्या पता करना है फाइंड एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी ठीक है हाँ फाइंड इन t इक्वल टू 0 to 4 seconds अच्छा देखो ये बच्चों मोशन इन वर्ल्ड ही है इस पेन में चलाओ देखो अब यहाँ पर देखो टाइम के साथ बच्चों क्या हो रही पोजीशन हमेशा बढ़ रही है तो कभी भी आप घट सकती है क्या नहीं मतलब ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है बच्चों विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन तो क्या होगा क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग होंगे क्या होंगे सेम ठीक है ना ये सब क्वेश्चंस ले सकते हो मैंने बताया था ना क्या आपको क्या करना होगा इक्वेशन को समझना भी होगा अरे भाई क्या कह रहा है उसको समझना भी होगा ये देख रहे हो इसको देखकर हाँ नहीं सर ये हो गया ये समझना है भाई टाइम का स्क्वायर जैसे पता नेगेटिव नहीं हो सकता ये पॉजिटिव है दोनों क्या होंगे हमेशा पॉजिटिव होंगे हमेशा क्या होगा बढ़ेगा अरे ठीक है ना क्या होगा हमेशा बढ़ेगा तो एवरेज स्पीड और वेलोसिटी क्या होंगे सेम होंगे अब निकालने का दो तरीका है बच्चों एवरेज स्पीड और वेलोसिटी सेम होंगे मतलब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होंगे एक में एक ही निकाल लो क्या होगा बच्चों तब निकालना तुमको 0 to 4 seconds के लिए तो डिस्टेंस ट्रेवल क्या होगा बच्चों चेंज इन पोजीशन अरे होगा ना एस जीरो पर क्या होगा टी इक्वल टू जीरो कितना आएगा
और फोर रख कितना आएगा, अरे कितना आ जाएगा बच्चों, अरे कितना आ जाएगा, फोर का स्क्वायर 16 थ्री का 48 कितना आएगा 50। तो टोटल डिस्टेंस रिजल्ट कितना हुआ बच्चों, अरे 50 माइनस 2, अरे भाई एस 4 माइनस है 0, अरे इतना ही डबल कर रहा था बच्चों, कितना डबल कर रहा है एस 4 माइनस है 0, कितना होगा ये 48। टाइम कितना होगा 4 सेकंड, तो एवरेज स्पीड ऑफ वेलोसिटी क्या जाएगी 48 बाय 4 12। अरे आगे बच्चों बात समझ में ठीक है, सुनो दूसरा सवाल देखते हैं बच्चों, ठीक है एक और तरीका है, एक और तरीका क्या है, गधों वाला तरीका है। सुनो मैं भी ऐसा करता था पहले, क्या करता था मैं पहले, इसको डिफरेंशिएट करो बच्चों, क्या आएगा वेलोसिटी आएगी, क्या आएगी वेलोसिटी आएगी, और फिर वी डी टी करो तो क्या आएगा बच्चों, अरे फॉर्मूला ये ना वी डी टी अपॉन डी डी टी। अब बेवकूफ क्या था, क्यों था बताओ, अरे भाई इसको डिफरेंशिएट किए क्या आया वी आया, फिर उसको इंटीग्रेट किए क्या आ गया, फिर से यही आ रहा। अरे ठीक है भाई करता था, अब तुम लोग करोगे, ये सोचा मैंने बाद में, अरे ठीक है ना पहले इसको डिफरेंशिएट करता था, हाँ मैं क्या था उसको समझ नहीं पाया था, भाई सर ने बताया कि टाइम को पूछे क्या करते हैं वी डी टी अपॉन डी टी, अरे वी निकाला डिफरेंशिएट कर दिया, अरे भाई वी क्या होता है डीएस बाई डी टी, फिर क्या किया वी डी टी अपॉन डी टी किया, तो वी डी टी करो क्या आएगा नहीं आ जाएगा फिर से, अरे ठीक है ना, तो क्या करना है तुमको ऐसा ही करना है ठीक है। दूसरे क्वेश्चन में नहीं होगा, यहाँ पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग होंगे, क्यों अलग होंगे, यहाँ पर देखो क्या आ रहा है नेगेटिव टर्म आ रहा है, तो आपको ब्रेक करना होगा टाइम इंटरवल, अरे ठीक है, तीसरे टर्म में भी क्या बच्चों वेलोसिटी क्या आएगी नेगेटिव आएगी, इसमें भी क्या करना होगा ब्रेक करना होगा, अरे भाई एक डायरेक्शन में चलोगे डिस्टेंस क्या आएगा तुम्हारा डिफरेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा डिफरेंट, अरे भाई दोनों में क्या डिस्टेंस और डिफरेंट डिफरेंट, कुछ क्वेश्चंस मैं दे दूंगा तुमको ठीक है, बाकी बोलो ये तो है ना, अभी दे दूंगा ठीक है, सर ये कंपेयर में से तीन यूनिट की बात
कुछ नहीं है दबा रहा है, दबाना मतलब है पता है वही तो एक तो नीचे आते नीचे आने को स्लोप करते हैं, स्लोप को डिफरेंशिएट कर दो और या फिर आप देखो तो एक दिन मैंने एक बात बोली पिछले महीने की था फिर नहीं है तो जी पर खेले तो बस एंडर नहीं तो हो गई है तुम्हारा क्या नाम है भूमि तो ये बात बात पूछता है वो देखो मैं बुक टाइप किया था कौन से स्कूल है तुम्हारा ठीक है।
अरे फोन में क्या है।